नमस्कार, आज खबर आपण समस्त स्वागत जनवा सहित खबर आरंभ करुच्छे। नंबर वन, आज 12 घंटिया पश्चिम ओडिशा बंद। विभिन्न दाबी नहीं आज 12 घंटिया पश्चिम ओडिशा बंद डाकरा। पश्चिम ओडिशार जेकोसी स्थान में हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा करने तथा केन्द्र और राज्य सरकार वैमातृक मनोभाव और मान्यवर सुप्रीमकोर्ट और हाइकोर्टर असह भाव को नहीं आज हे पश्चिम ओडिशा बंद। आज सका 6 राति 6 पर्यंत 12 घंटा धरी बंद पालन हो। जरूरीकालीन सेवा जमीती कि आंबुलांस, स्वास्थ्य भित्तिक कारण, क्षीर गाड़ी तथा अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी समस्त सरकारी और बेसरकारी कार्यालय, रेल, बस और अन्य जानवाहन पिकेटिंग माध्यम बंद कराजिबाकु सूचना देछंती संबलपुर जिला वकिल संघर सभापति विजेन्द्रिय प्रधान। नंबर टू, एणिकि गोटे अफिस किरानी 6 चाकरी पर बदली। बलांगीर जिला बीयू अफिस कार्यरत वरिष्ठ किरानी जालियाती सामनाकु आसिबा परे चेतिले राज्य सरकार। एणिकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय 6 अधिक कार्य करथिबा किरानी को अन्यत्र बदली करा जिबो। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देछंती। बीयू एवं डीयू अफिस चाकरी करथिबा किरानी केवल 6 गुटिया अफिस कार्य करिपरिबे। शिक्षा वर्ष आरंभ रु एही निष्पत्ति कार्यकारी हेबो। एने विभागीय अधिकारी निर्देश दिया जाइछि। आग को शिक्षक और शिक्षयित्री क्षेत्र में यह नियम लागू करा जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिछंती। नंबर थ्री, बार्ड फ्लू आतंक, 3 सील हैला ओईटी कुकुड़ा फार्म। बार्ड फ्लू चिन्हट पर सील होइछि भुवनेश्वर ओईटी कुकुड़ा फार्म। 3 जाए फार्म सील, फार्म रे लगा जाइछि नाली पताका। ओईटी कुकुड़ा फार्म बार्ड फ्लू उत्पत्ति स्थल होइथिबारु प्राणी संपद विभाग पक्षरु 3 लागि एहाकु सील करा जाइछि। एहा सब फार्म रे नाली पताका लगा जाइछि। प्रति 15 दिन अंतर रे फार्म को विशोधन करा जिवो। 1 पर्यंत फार्म रे कुकुड़ा प्रजनन हेबो नाही बोली प्राणी संपद विभाग निर्देशक रत्नाकर राउत सूचना देछंती। नंबर फोर, ओडिशार प्रथम किडनी प्रतिरूपण। राज्य चिकित्सा क्षेत्र रे इतिहास रसिला एससीबी। कटक बड़ मेडिकल रे ओडिशार प्रथम काडाभेरिक ट्रांसप्लांट विरल सफल अस्त्रोपचार शेष होइछि। जणे मृत व्यक्ति अंग को अन्य जनक देह रे प्रतिरूपण करिवार चिकित्सा डाक्तरी भाषा रे काडाभेरिक ट्रांसप्लांट कहा जायथाय। गत राति भुवनेश्वर जणे मृत रोगी ठारु किडनी नै कटक एससीबी रे किडनी हराइथिबा रोगी ठारे प्रतिरूपण करा जायछि। कटक एससीबी रे एक विशेषज्ञ दल अस्त्रोपचार करी सफलतार सह किडनी प्रतिरूपण करिछंती। नंबर फाइव, 19 कम विश्व सेमिफाइनल जितिला भारत। बुलनकर दमदार प्रदर्शन फल रे एठारे खेला जाइथिबा आईसीसी 19 कम विश्वर सेमिफाइनल मुकाबिलारे भारत चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 172 रन रे ऑल आउट करिछि। फाइनल को प्रवेश करी डिपेंडिंग चंपियन भारत सम्मुखें रही 172 रन विजय लक्ष्य। पाकिस्तान पक्षर रुहेल नाजीर, हाइदर अली रन सत्वे पाकिस्तान भारतीय शाणित बोलींग उचित मुकाबला कर नपरी 43.1 ओभर में 172 रन ऑल आउट हो। भारत पक्षर सुशांत मिश्र 3, कार्तिक त्यागी 2 और रवि विश्वई 2 विकेट नहीं। नंबर सिक्स, आसंता 12 ओडिशा आसबेनि अमित शाह। आसंता 12 तारीख रे ओडिशा आसिबेनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। आसंता 12 तारीख रे एक सरकारी कार्यक्रम रे अमित शाह जोगदेवार कार्यक्रम थिला। पूर्वांचल जोनल काउंसलिंग मीटिंग रे जोगदेवा कार्यक्रम थिला। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह 12 तारीख रे ओडिशा आसिबेनि सूचना मिलिथिला किंतु तांको ओडिशा गस्त बातिल होईछि। तबे पूर्णी अमित शाह केबे ओडिशा आसिबे ता स्पष्ट होई नाही। नंबर सेवेन, आरंभ हला खणि आवंटन प्रक्रिया। आरंभ हला खणि आवंटन प्रक्रिया। प्रथम पर्याय रे 4 खणि नीलाम पाई चूड़ांत होइथिला बेले 2 खणि जेएसडब्ल्यू हाथ को जाइथिबा जणा पड़िछि। नुआगा खणि को जेएसडब्ल्यू को आवंटित करा जाइथिला बेले पूर्वरु एहा जेएस आलुया कंपनी हाथ में रहिथिला। नारायण जोशी नारायण पोशी खणि को मध्य जेएसडब्ल्यू आवंटित करा जाइथिला बेले पूर्वरु एहा आर्जमान माइनिंग कंपनी हाथ में रहिथिला। ठाकुरानी खणि को मित्तल माइनिंग कंपनी को आवंटित करा जाइथिला बेले पूर्वरु एहा केपी माइनिंग हाथ में रहिथिला। नंबर एट, पुरीर ऐतिह संस्कृति महिमा और परंपरा को नहीं बैठक शेष। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक किशन कुमार गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे कहिछंती कि ऐतिह करिडर नस्का मार्च शेष किंबा एप्रिल प्रथम सप्ताह चूड़ांत हेबो। ईमेल जरिए लोक मैंने विभिन्न मतामत देछंती। आम 4 दिग को गुरुत्व देउछु। प्रथमतः श्रीमंदिर चारिपटे साही को सही साहीर लोक मैंने किभली सुविधा आतायात करें से नहीं साही साही मध्य माइक्रो प्लानिंग करा जिबा नहीं सरकार विचार करिछंती।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ଯେପରି କୌଣସି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବା ସହ ରଥ ଖେଳ ପୂର୍ବପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାହାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ହାତପାଦ ଧୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 4,000-5,000 ଭକ୍ତ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, 8 ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ ଆପ୍ ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆପ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ February 8 ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅବସର ରହିଛି। PM ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସର୍ଜିକାଲ ଓ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହିପରି ବୟାନ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଏଠାରେ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଏହି କାମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ February 8 କରିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 10, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ। ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେବ କରିବା ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଓ ଭିଏତନାମ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟିଂ ପରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫାର୍ମ ସହ ଆପଲ, ସାମସଙ୍ଗ, ୱେଇ, ଓପୋ, ଭିଭୋ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଇଣ୍ଡର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ନୋଟ୍ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।